आलसी भालू। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। वे जानवर रोज नदी किनारे पानी पीने आया करते थे। उस नदी में बहुत सारी मछलियां भी रहती थी। उन मछलियों को खाकर एक मगरमच्छ अपना पेट भरता था। वह पूरा दिन नदी किनारे आराम करता था। उस जंगल में एक आलसी भालू रहता था। भालू अपने भोजन की तलाश में नदी किनारे पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहां मगरमच्छ आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भालू भाई, ऐसे क्यों उदास बैठे हो? तभी भालू बोलता है, क्या बताऊं मगरमच्छ भाई, मैं मछली खाना चाहता हूं पर कोई मछली मेरे हाथ नहीं लगती है। भूख के कारण मैं दुबला पतला होता जा रहा हूं, इस वजह से उदास बैठा हूं। भालू के मुंह से ये बात सुनकर मगरमच्छ भालू से बोलता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भालू भाई, मैं हूं ना, मैं तुमको नदी से मछली पकड़ कर दूंगा, तुम उनको खाकर अपना पेट भर लेना और अपनी भूख शांत कर लेना। नहीं मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारा ऐसे एहसान नहीं ले सकता हूँ। अरे भालू भाई, हम सभी जानवर एक जंगल में रहते हैं, तो क्या हम आपस में दोस्त नहीं हुए? और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ही आ सकता है। ठीक है मगरमच्छ भाई, जैसा तुमको ठीक लगे। फिर मगरमच्छ भालू को नदी से मछली पकड़कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। भालू रोज पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था, मगरमच्छ रोज भालू को नदी से मछली पकड़ के देता था। इसी भालू भी कहीं ना कहीं बहुत खुश था। अब उसको अपनी भूख शांत करने के लिए खाना नहीं तलाश करना पड़ रहा था। एक दिन भालू पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। रोज की तरह मगरमच्छ भालू को नदी से मछलियाँ पकड़ के देता है। भालू आराम से मछलियाँ खाकर वहीं भी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। वह भालू से बोलता है, अरे मित्र बचाओ मुझको, मैं पत्थर के नीचे दब गया हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भालू अपने आलस के कारण मगरमच्छ से बोलता है, मगरमच्छ भाई आपको पता है मैंने अभी अभी तो भोजन किया है और भोजन करने के बाद मुझको बहुत नींद आती है, तुम थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर तुमको पत्थर हटा के मैं बचाता हूँ। ऐसा बोलकर भालू पेड़ के नीचे सो जाता है। भालू के इस आलस के कारण मगरमच्छ पत्थर के नीचे दब के मर जाता है।